आज हम बात करेंगे अपीयरेंस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपीयरेंस के बारे में। वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड है उसके अंदर आपको ऑप्शन नज़र आता है अपीयरेंस का, और उस अपीयरेंस के ऑप्शन के अंदर डिफरेंट मज़ीद आगे ऑप्शन हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद इसको समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और इसके बारे में बात करते हैं। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे देखिए हमने तीन टॉपिक्स चूज़ किए हैं आज की वीडियो के लिए कि थीम होता क्या है एक्चुअल में वर्डप्रेस का, और फ्री थीम और पेड थीम में क्या डिफरेंस होता है, और हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए, और वर्डप्रेस थीम्स की जो मार्केट प्लेसेस है जहाँ से हम पेड थीम बाय कर सकते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चलें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्डप्रेस थीम बेसिकली नॉर्मल थीम्स के अबाउट आपने सुना होगा। जैसे आपके पास एक मोबाइल होता है, आप उसका वॉलपेपर चेंज करते हैं या वहाँ पे आपको थीम्स का ऑप्शन मिलता है, आप जस्ट एक क्लिक करते हैं और आपके मोबाइल का इंटरफेस जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, उस नए थीम के अकॉर्डिंग हो जाता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी डिज़ाइन वर्डप्रेस के थीम्स मिल जाते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, और हमारा जो वेबसाइट है उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हो जाता है, और फिर उसको हम मज़ीद कस्टमाइज़ कर लेते हैं, राइट। मतलब हमें किसी किस्म की कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, ऑलरेडी डिज़ाइन थीम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उन थीम्स को हम यूज़ करते हैं, अपलोड करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और वो उसी तरह से हमारी वेबसाइट डिज़ाइन हो जाती है, और मज़ीद फिर उस डिज़ाइन के अंदर हमें जो चेंजेस करनी होती हैं वो चेंजेस हम करते हैं। तो चलें मज़ीद देख लेते हैं किस तरह से ये करेंगे हम। तो यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ऑप्शन है थीम्स, आपने जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास और ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐड अ न्यू थीम, तो यहाँ पे मेरे पास वो देखें काफ़ी सारे उसने मुझे थीम्स दिखा दिए हैं। यहाँ पे देखें इतने सारे थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी थीम मुझे पसंद आ रहा है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, और अगर मुझे कोई अपलोड करना है थीम वो मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई थीम अवेलेबल है, फ्री थीम नहीं है। मज़ीद आगे चलने से पहले मैं आपको दूसरी टर्म समझा दूं कि फ्री थीम क्या है, पेड थीम्स क्या है। तो फ्री थीम्स वो होते हैं जो कि वर्डप्रेस की डायरेक्टरी के अंदर हमें ऑलरेडी मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं थीम्स के अंदर आया तो यहाँ पे देखें 4900 जो थीम्स हैं वो वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो, इनको यूज़ करते हुए आप अपने वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो किसी भी तरह के। लेट्स सपोज ये एक न्यूज़ वेबसाइट है, इस तरह का मुझे डिज़ाइन करना है तो इस थीम को मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर। तो चलें इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इंस्टॉल, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एक्टिवेट। इंस्टॉल करने के बाद हमें एक्टिवेट भी करना होता है थीम, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एक्टिवेट, और ये देखिए ये नया थीम जो मेरे पास है, ये जो एक्टिव थीम है वो यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है। अगर अब मैं अपनी वेबसाइट का लुक को देखूँ तो वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका होगा अकॉर्डिंग टू द थीम। यहाँ पे देखें बिल्कुल उसी तरह से बहुत ही प्यारे तरीके से हमारे पास वो जो पोस्ट हैं वो नज़र आ रही हैं, तो इट्स अमेजिंग राइट, हमारे पास ऑलरेडी थीम्स मौजूद हैं। तो ये तो हो गए फ्री थीम्स। अब पेड थीम्स क्या होते हैं? पेड थीम्स वो होते हैं जिनको हमें बाय करना पड़ता है किसी थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस के से। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जैसे फ्री थीम्स हैं इनके अंदर जो कस्टमाइजेशन फंक्शनैलिटीज़ हैं वो लिमिटेड होती हैं, और इनके अंदर जो फीचर्स हैं या डिज़ाइनिंग के एस्पेक्ट्स हैं ये थोड़े लो क्वालिटी होते हैं, क्योंकि ये फ्री अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट डिवेलपर्स ने टेस्टिंग के तौर पर बनाए होते हैं और यहाँ पर डाल दिए होते हैं, लेकिन हम उनको यूज़ कर सकते हैं। फ्री थीम बहुत ज़्यादा अच्छे और पॉपुलर भी हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। ऑन द अदर हैंड पेड थीम्स वो होते हैं जिनको हम ख़रीदते हैं थीम्स को, और उनके सारे राइट्स हमारे पास होते हैं, उनको हम अपने वेबसाइट पे यूज़ करते हैं, और उनके अंदर बहुत ही एक्सटेंडेड और बहुत ज़्यादा अलग तरीके से डिज़ाइनिंग हुई होती है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो आपको पता चल गया फ्री थीम और पेड थीम में क्या फ़र्क है। अब मैं इनका थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ आपको। मान के चले हम एक पेड थीम लेना है, और मैं यहाँ पे बात करने चला हूँ वर्डप्रेस थीम मार्केट प्लेसेस के अबाउट। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है वो है थीम फॉरेस्ट। ओके, थीम फॉरेस्ट पे हम जाके हम किसी भी तरह का वर्डप्रेस का थीम बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं अगर थीम फॉरेस्ट के ऊपर आया हूँ, इसके अलावा एक और मार्केट प्लेस है, इन्हीं का चाइल्ड प्रोडक्ट है इन्वेटो एलिमेंट्स, यहाँ पे भी आप आके ले सकते हैं। उसके बाद माई थीम शॉप, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे जाके आप डिफरेंट प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स बाय कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखें ये थीम फॉरेस्ट है, और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे वर्डप्रेस थीम, हर तरह के वर्डप्रेस थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं हाई क्वालिटी के। जैसे मैं इसको व्यू करता हूँ कि ये थीम किस तरह का है, ये इनको सेल आउट कर रहे हैं $59 के अंदर। इसकी सेल्स यहाँ पे देखें 123 के सेल्स हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास डिज़ाइन है, और इसके अंदर वास्ट क्वालिटी के अंदर वास्ट जो है वो फंक्शनैलिटीज़ हैं इस थीम को कस्टमाइज़ करने के लिए, तभी इसीलिए ये पेड है। और डिफरेंट टेम्पलेट्स इसी एक थीम के अंदर बहुत सारी मौजूद हैं। ऑन द अदर एंड जहाँ पे हम फ्री थीम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखें हम फ्री थीम्स पे क्लिक करेंगे एड न्यू पे, और यहाँ पे हमारे पास वो सारे फ्री थीम नज़र आ जाएंगे जो कि बेसिक से थीम है, राइट। तो ये आपको एक मेजर फ़र्क नज़र आ जाएगा कि फ्री थीम में क्या फ़र्क होता है और पेड थीम में क्या फ़र्क होता है। आगे चल के हम बात करेंगे डिटेल के अंदर कि मॉडर्न वेबसाइट डिज़ाइंस के ट्रेंड्स क्या हैं, और किस तरह की वेबसाइट्स आपकी होनी चाहिए, और इसके अलावा हम देखेंगे कि आपको किस तरह के थीम्स चूज़ करने चाहिए और कहां कहां से आप थीम चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।